हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट यू रिपेयर। मैं आपका दोस्त वसीम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, सॉरी कि मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा जो SMD मशीन है और जो हॉट गन है वो ख़राब हो गया था। इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था और घर पर भी कुछ गेस्ट आए हुए थे, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा था। और रेगुलर व्यूअर जो हैं उनके लिए ये बात है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आज मेरे पास जो फ़ोन है ये जियो का फ़ोन है, और इसका जो है देखिए मेन्यू की जो है ओके क्यू जो होता है ये नहीं काम कर रहा, ठीक है, ये नहीं काम कर रहा, ये भी नहीं काम कर रहा, ये दो, और ये जो है नीचे वाला बटन भी नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, आज ऐसा चीज़ ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेस करना है, बिल्कुल अलग चीज़। ये चीज़ आप यूट्यूब में शायद, मैं उम्मीद लगाता हूँ कि शायद आपने नहीं देखा होगा कि किस तरह से एक और तरीका होता है जो कीपैड का जो सोल्यूशन को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ से कौन सा ट्रैक जा रहा है, ठीक है। तो मेरा सारा की बट काम कर रहा है, ठीक है, ये देखिए सारा की काम कर रहा है, लेकिन जो है सिर्फ मेरा जो बीच का है ये मेन्यू वाला की नहीं काम कर रहा है, ये ऊपर का की दब गया है, ठीक है, ये मेन्यू की नहीं काम कर रहा और ये काम नहीं कर रहा और ये नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो बिल्कुल अलग तरीका बताऊंगा दोस्तों, ये तरीका जो है मैं हमेशा कभी कभी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ़ोन को खोलते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका मैं उम्मीद है दोस्तों कि बहुत मतलब आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कस्टमर ने मुझे कहा था कि ये फ़ोन मैंने और कहीं दिया था बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ, एक दिन 2 दिन रखा, उसके बाद फिर काम भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या करते हैं और कैसे इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। मैंने खोला भी नहीं है फ़ोन को, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आसानी से जो है आप एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है ये सब दोस्तों, कोई भी कीपैड अगर आपका नहीं काम करता तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो भी मिस्त्री काम किया होगा वो तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा इसमें, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो फ़ोन देखिए मैंने निकाल लिया है और इधर से तो कोई पानी वानी का निशान नहीं लग रहा, तो कीपैड को निकाल के देखते हैं। तो कीपैड तो बड़ी आसानी से निकल गया। तो देख दोस्तों, जो अगला मिस्त्री ने काम किया है इस पर सिर्फ घिसाई का, ठीक है दोस्तों, तो हर चीज़ घिसाई से सॉल्व नहीं होता, ठीक है, आपको उसका वजह जानना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें पानी गया हुआ है, ये देखिए ये जो पानी गया हुआ है, ठीक है, ये देखिए पानी गया हुआ है, इस वजह से जो है देखिए प्रिंट निकल रहा है, ये पानी गया हुआ है इस वजह से ये गल गया हुआ ट्रैक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है दोस्तों, आपका कौन सा बटन नहीं काम कर रहा है, ठीक है, आपको उस पर आपको रीडिंग लेना है और आपको चेक करना है कि कौन सा बटन मेरा नहीं काम कर रहा। तो ये देखिए पहले हम मीटर को जो है बजर रेंज पर रख लेंगे और उसके बाद जो है आपको करना ये होगा कि कौन सा बटन नहीं काम कर रहा है, ये बटन नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो इसका बीच वाले जो पॉइंट है इस पर देखिए रीडिंग आ रहा है और साइड का पॉइंट पे रीडिंग नहीं आ रहा, ठीक है, और इस पॉइंट का बीच पॉइंट में रीडिंग आ रहा है और इसमें रीडिंग नहीं आ रहा, और इस पॉइंट में बीच पॉइंट में रीडिंग आ रहा और साइड में रीडिंग नहीं आ रहा, मतलब तीनों का जो है साइड वाले पॉइंट में रीडिंग नहीं आ रहा और बाकी का जो है सारा जो बटन ओके काम करता होगा। देखिए दोनों पॉइंट में रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब जो है यही जो है तीन जो बटन है इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आपको पता करना होगा कि ये जो ट्रैक है मेरा, ये जो ट्रैक है ये कहाँ से जा रहा है, तो इसको कैसे पता करेंगे, हम अनाधुन कहीं भी तो जंपर नहीं मार सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि आपको एक बार फोन को चालू करना है, ठीक है, इस तरह से चालू करना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं ये तरीका इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आपको समझने में भी आसानी होगी और आप इस तरह से काम कर सकते हैं। कभी भी दोस्तों ऐसा होता है कि कभी भी ये जो कोई भी बटन होता है, ठीक है, कोई भी बटन होता है तो वो ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्ट CPU में या कीपैड IC में नहीं जाता है,
वो होता क्या है कि एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जैसे यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, फिर यहाँ से यहाँ हो सकता है, कहीं भी कनेक्ट होता है, एक दूसरे से ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इस कनेक्शन को जानेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं। तो फोन ऑन हो जाए पहले, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जानना है। अगर आपका दोनों पॉइंट में अगर रीडिंग नहीं आ रहा तब आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर एक पॉइंट पे रीडिंग आ रहा तो आपको इस तरह से जैसे कि ट्राई करना है, ठीक है दोस्तों। कि देखिए, जैसे मेरा ये वाला की नहीं दबा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जूम करके। देखिए जैसे कि मेरा जो ये वाला बटन नहीं काम कर रहा, ठीक है, ये बटन नहीं काम कर रहा, तो मेरा बीच वाले में रीडिंग आ रहा था, ठीक है, साइड वाले में रीडिंग नहीं आ रहा। तो हम बीच वाले को किसी भी पॉइंट का साइड में ऐसा लगा के देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ कैमरा दबा रहा, इसका मतलब जो है ये इसका बटन नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हम इसको इस पॉइंट में हम ऐसे करके लगा के देखते हैं, तो ये भी इसका नहीं है, ठीक है। तो हम अब बीच वाला का काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कि बीच वाले पॉइंट को हम यहाँ से लगा के देखते हैं। तो इससे मैसेज खुल गया, मेन्यू नहीं खुला, इसका मतलब ये पॉइंट इसका नहीं है, ठीक है। तो हम इसी तरह से हम जो है यहाँ से इस तरह से करके चेक करेंगे, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से बीच वाले से इसमें कनेक्ट करके देखते हैं क्या बता रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं बता रहा, इसमें कनेक्ट कर, ये देखिए मेन्यू खुला, इसका मतलब जो है ये ट्रैक सीधा यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और मेरा बैक वाला जो नीचे वाला जो बटन नहीं काम कर रहा था, उसके लिए जो है हम इसी को ये देखिए कनेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए बैक काम कर रहा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो है मेरा ये ट्रैक और ये ट्रैक जो है एक साथ ही काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से जंपर मारेंगे, इसमें जंपर मार देंगे तो ये भी चालू हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात है कि ये वाला पॉइंट मेरा काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अलर्ट का दिख रहा है, ठीक है, अलर्ट दिख रहा है, तो हमें अलर्ट आना चाहिए। तो अलर्ट आने के लिए जो है हम यहाँ से इस तरह से चेक करके देखेंगे, इस तरह से जो है हम चेक करके देखेंगे कि नहीं, चार नंबर काम कर रहा, मतलब ये इसका नहीं है, ठीक है। तो हम अभी इस पॉइंट में लगा के देखते हैं, तो ये भी चार नंबर काम कर रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो हम अब इसमें लगा के देखते हैं, देखिए अलर्ट आ गया, इसका मतलब ये ट्रैक जो है मेरा यहाँ से आ रहा। तो इस तरह से जो है आप काम कर सकते हैं, इसका मतलब है कि मैं यहाँ से यहाँ जंपर मार दूंगा और यहाँ से यहाँ जंपर मार दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार जंपर भी मार के आपको दिखाते हैं कि मेरा, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जंपर लगा दिया है, और जंपर लगा के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो है इस तरह से जो आप चेक कर सकते हैं और इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि अब बीच वाला बटन भी मेरा दबाएगा, ये देखिए बीच वाला बटन भी दब रहा, साइड वाला भी दब रहा, ये भी दब रहा, ये भी दब रहा, ये भी दब रहा और ये भी दब रहा, ठीक है। ये देखिए लाट वाला जो है ये भी दब रहा। तो दोस्तों यही था, हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, तो दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बस यही कहना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।